बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। एक्सरसाइज 3.4 को हम कंटिन्यू करते हैं। आज इसका हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इंटीग्रल गिवन है, इंटीग्रल ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर डी एक्स। अब नोट करें, ये इंटीग्रल जो है ये हम एक्सरसाइज 3.3 में सॉल्व कर चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 बी पार्ट था एक्सरसाइज 3.3 में, और हमने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज़ की थी एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा इसको सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे हम इस इंटीग्रल को बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, हम इस इंटीग्रल को हम लेट ले लेंगे आई के इक्वल। तो आई इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, यहाँ पे हम 1 लिख लेंगे, 1 डी एक्स, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए दो फंक्शन होने चाहिए तो प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो यहाँ पे अब हम इसे फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे और इसे सेकंड फंक्शन। तो u हमारे पास हो जाएगा ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, हम डेरिवेटिव लेते हैं इसका या डिफरेंशियल डेरिवेटिव ले लेते हैं यहाँ पे आसानी के लिए। डी यू बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा, जब भी आपके पास स्केयर रूट वाला फंक्शन हो तो ये इसका डेरिवेटिव इक्वल हो जाता है 1/2 स्केयर रूट ऑफ डैट फंक्शन। और साथ में जो फंक्शन होता है स्केयर रूट के अंदर उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता है। अब ए स्केयर एक कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, एक्स स्केयर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, 0 माइनस 2x हमारे पास माइनस 2x आ जाएगा। यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो डी यू की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी, डी यू इज इक्वल टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। अब यहाँ पे डी वी है हमारे पास, डी वी इज इक्वल टू 1 डी एक्स। जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास वी इक्वल आ जाएगा एक्स के। अब हम फार्मूला लिखेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का डिफरेंशियल फॉर्म होती है हमारे पास इस फार्मूला की, यू डी वी इज इक्वल टू यू वी माइनस इंटीग्रल वी डी यू। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा गिवन इंटीग्रल आई इक्वल आ जाएगा यू, यू हमारे पास है स्केयर रूट ऑफ ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, और वी की वैल्यू हमारे पास आई है एक्स माइनस इंटीग्रल एक्स, और डी यू की वैल्यू हमारे पास आई है माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर डी एक्स। अब इस इंटीग्रल को हम अलग से सॉल्व करेंगे। अलग से सॉल्व करने का मकसद ये है कि हमें बार बार ये वाली टर्म्स ना लिखनी पड़े। और इस इंटीग्रल में नोट करें, नेगेटिव साइन को हम बाहर नहीं लेके जाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि एक्स जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स से, तो माइनस एक्स स्केयर आएगा, और डिनोमिनेटर में स्केयर रूट के अंदर भी माइनस एक्स स्केयर है। तो हम कंसिडर कर लेते हैं इसे, हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। कंसीडर आई वन, इस इंटीग्रल को आई वन कह देते हैं, एक्स इंटू माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर डी एक्स, विच इज इक्वल टू इंटीग्रल
माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब टेक्निक ये है, यहाँ पे एक टेक्निक ये है कि हम वही सब्स्टिट्यूशन यूज़ करें, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, और इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लें। ये सब्स्टिट्यूशन करने से इंटीग्रल का सोल्यूशन थोड़ा लेंथी हो जाएगा। अब हमने ये टेक्निक यूज़ करनी है कि यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हम न्यूमरेटर में भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनाएंगे। तो आई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर, हम ऐड भी करेंगे, ये हमने ऐड किया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और फिर ए स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे दो इंटीग्रल बन जाएंगे, हम स्प्लिट कर लेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस फंक्शन माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस फंक्शन। ये हमने इंटीग्रल स्प्लिट कर लिए, इंटीग्रल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ए स्क्वायर को बाहर लिख लेंगे नेगेटिव साइन के साथ, तो इंटीग्रल वन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पे पावर वन है, यहाँ पे पावर वन बाय टू है, बेसिस सेम है। जब ये से ऊपर शिफ्ट करेंगे तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, वन माइनस वन बाय टू हमारे पास वन बाय टू हो जाएगा, जो तो इसीलिए यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट डाल दिया है, क्योंकि स्क्वायर रूट भी हमारे पास पावर वन बाय टू होती है। अब नोट करें, ये जो इंटीग्रल होता है वन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इक्वल होता है, इसका एंटी डेरिवेटिव होता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए। ये फार्मूला याद रखें कि इंटीग्रल ऑफ वन ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए। अब ये जो इंटीग्रल है, ये हमारा गिवन इंटीग्रल था जिसको हमने आई के इक्वल लेट लिया था, तो आई वन इज इक्वल टू, यहाँ पे आई हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए। अब हम ये जो वैल्यू आई वन की, इसे इक्वेशन वन में पुट करेंगे, वन इम्प्लाइज, तो हमारे पास वन आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, तो हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास आ जाएगा आई माइनस ए स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए। ब्रैकेट ओपन करते हैं अब हम यहाँ पे, तो आई इज इक्वल टू एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस आई प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए। आई को हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ऐड हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज आई प्लस आई हमारे पास टू आई हो जाएगा। यहाँ पे हम तरतीब चेंज कर लेते हैं, ए स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए को हम पहले लिख लेते हैं, प्लस एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हम बाद में लिख लेते हैं। जब हम इसे टू को शिफ्ट करेंगे इधर, तो राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड कर देगा, तो हमारा गिवन इंटीग्रल आई, जो कि हमारे पास इंटीग्रल ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट डी एक्स, इक्वल आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर
over 2 sine inverse of x over a plus x by 2 a square minus x square plus constant of integration c। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4, पार्ट 3 और 4। तो पार्ट 3 हमारे पास इंटीग्रल ऑफ फोर माइनस फाइव एक्स के डी एक्स। गिवन इंटीग्रल को हम एज यूजुअल आई के इक्वल लेट ले लेंगे। अब नोट करें इस इंटीग्रल और इस इंटीग्रल में क्या फ़र्क है। यहाँ पे एक्स केयर का कोफिशियंट 1 है, यहाँ पे एक्स केयर का कोफिशियंट 5 है। तो हमने ये इंटीग्रल बनाना होगा इस टाइप का, ये दोनों सेम इंटीग्रल हैं तो इनका सोल्यूशन भी सेम ही होगा। यानी कि सेम से मुराद वही हम तरीका यूज़ करेंगे जो हम पार्ट 1 में यूज़ कर चुके हैं, लेकिन उससे पहले हमें एक्स केयर का कोफिशियंट 1 बनाना होगा। तो एक्स केयर का कोफिशियंट 1 बनाने के लिए हम ये करेंगे, 5 को कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 4/5 माइनस एक्स केयर, 5 स्केयर रूट 5 को हम बाय अलग लिख लेंगे तो आई इज इक्वल टू 5 स्केयर रूट ऑफ। अब इसको हम स्केयर की फॉर्म में लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ए स्केयर है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय स्केयर रूट ऑफ 5 होल स्केयर माइनस एक्स स्केयर डी एक्स, यहाँ पर डी एक्स आएगा तो आई इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ 5, इंटीग्रल से बाहर लिख लिया बाय स्केयर रूट ऑफ 5 होल स्केयर माइनस एक्स स्केयर डी एक्स। अब ये जो इंटीग्रल है, ये इंटीग्रल जो है द इंटीग्रल is same as or similar to integral a square minus x square dx, here a is equal to 2 divided by square root of 5। इस इंटीग्रल में a की वैल्यू हमारे पास 2 over square root 5 है। अब अगर इस इंटीग्रल को हम पार्ट 1 की तरह सॉल्व करें तो 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 बार बार लिखना हमारे लिए थोड़ा टीडियस होगा, मुश्किल होता है। तो हम ये करेंगे इस किस्म के क्वेश्चन पार्ट 3 और पार्ट 4 को सॉल्व करने का तरीका ये है, बेस्ट वे, कि आप जनरल इंटीग्रल को पहले सॉल्व करें। जनरल इंटीग्रल आप पार्ट 1 में सॉल्व करना सीख चुके हैं तो आप उसी तरह सारा इंटीग्रल जिस तरह हम पीछे सॉल्व कर चुके हैं सॉल्व करेंगे। तो तरीका ये होगा कि हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे, कंसीडर आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर होल स्केयर रूट डी एक्स। अब इस इंटीग्रल को हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व दिस इंटीग्रल जो हमें करना पड़ेगा एज वी डिड
एन पार्ट वन सारा इंटीग्रल सॉल्व करेंगे तो एट द एंड हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, इसे हम आई प्राइम का क्या देते हैं क्योंकि या आई वन वट एवर कोई नाम देते हैं आई प्राइम, क्योंकि आई हमने लेट लिया हुआ अपना गिवन इंटीग्रल जो है पार्ट थ्री का, तो आई प्राइम हमारे पास इक्वल आ जाएगा यहाँ पे ए स्केयर ओवर टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए प्लस एक्स बाय टू इन टू स्केयर रूट ऑफ ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब इसमें सिंपली हमने रिप्लेस कर देंगे ए की जगह, रिप्लेस ए बाय टू डिवाइडेड बाय स्केयर रूट फाइव, तो हमारा जो गिवन इंटीग्रल है उसका आंसर आएगा। जब हम ये रिप्लेसमेंट करेंगे तो आई प्राइम की जगह हम आई लिखेंगे, अब क्योंकि हमारे गिवन इंटीग्रल आई में ये वैल्यूज़ हैं, तो यानी कि यहाँ पे स्केयर रूट फाइव आएगा क्योंकि स्केयर रूट फाइव था। अब यहाँ पे हम ये ए की जगह पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फोर बाई फाइव डिवाइडेड बाई टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए की वैल्यू हमारे पास टू ओवर स्केयर रूट फाइव प्लस एक्स बाय टू यहाँ पे हो जाएगा फोर बाय फाइव माइनस एक्स के तो ब्रैकेट क्लोज प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब हम जब यहाँ पे एलसीएम लेंगे आई इज इक्वल टू और स्केयर रूट फाइव को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई इज इक्वल टू टू और फोर कैंसल आउट हो जाएंगे स्केयर रूट और फाइव मल्टीप्लाई बाय टू डिवाइडेड बाय फाइव साइन इनवर्स ऑफ यहाँ से स्केयर रूट फाइव न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा तो स्केयर रूट फाइव एक्स डिवाइडेड बाय टू प्लस एक्स बाय टू स्केयर रूट फाइव फोर माइनस एक्स स्केयर डिवाइडेड बाय फाइव प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो गिवन इंटीग्रल यहाँ पे हमारे पास इक्वल आ जाएगा, हमारे पास गिवन इंटीग्रल है इंटीग्रल ऑफ फोर माइनस फाइव एक्स स्केयर डी एक्स इज इक्वल टू टू डिवाइडेड बाई स्केयर रूट फाइव, क्योंकि यहाँ पावर वन है यहाँ पे पावर वन बाई टू है, कैंसल आउट होके डिनोमिनेटर में पावर वन बाई टू रह जाएगी साइन इनवर्स ऑफ स्केयर रूट फाइव एक्स डिवाइडेड बाई टू प्लस एक्स बाई टू। इसे जब हम स्केयर रूट के अंदर शिफ्ट करेंगे क्योंकि दोनों के ऊपर स्केयर रूट और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब एक स्केयर रूट में लिखेंगे तो फाइव और फाइव कैंसल आउट हो जाएंगे तुम्हारे पास आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो फाइव भी आएगा तो फोर माइनस फाइव एक्स स्केयर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, ये हमारा रिजल्ट आ गया यहाँ पे। अब पार्ट फोर के देखें, इसमें भी जो इंटीग्रल है वो भी जो जनरल इंटीग्रल है ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर होल स्केयर रूट इस जैसे ही है, तो यहाँ इसको भी हम पार्ट थ्री की तरह सॉल्व करेंगे, फोर को कॉमन लेंगे एक्स स्केयर का कोफिशेंट वन हो जाएगा, फोर टू का स्केयर होता है तो टू बाहर आ जाएगा और यहाँ पे थ्री ओवर फोर को हम स्केयर रूट थ्री डिवाइडेड बाई टू होल स्केयर लिख लेंगे, टू को इंटीग्रल से बाहर लिख लिया। अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए सेम हम वही मेथड यूज़ करेंगे जो पार्ट थ्री में कर चुके हैं, इस इंटीग्रल को कंसीडर कर लेंगे जनरल इंटीग्रल को और इसे सॉल्व करेंगे जिस तरह हमने पार्ट वन में इस इंटीग्रल को सॉल्व किया है। सॉल्व करेंगे तो इस इंटीग्रल का रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा ये ए स्केयर ओवर टू साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस एक्स ओवर टू
इंटू स्केयर रूट ऑफ ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। जब इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये जो आई प्राइम है ये वही इंटीग्रल बन जाएगा जो गिवन इंटीग्रल आई में था। तो उस इंटीग्रल की जगह ये वैल्यू हम पुट कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 3/4 डिवाइडेड बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए स्क्वायर रूट 3/2 प्लस एक्स बाय 2 ए स्क्वायर हमारे पास 3/4 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम अलग ही लिख लें। अगर यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखेंगे 2 कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा 2c आएगा तो 2c भी एक नया कांस्टेंट होगा तो इसीलिए हम इसको अलग से ही लिख लेते हैं या एट द एंड जब क्वेश्चन एंड हो जाए तब कांस्टेंट c पुट कर देना चाहिए, ये ज़्यादा बेहतर है। तो आप 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो i इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई करेंगे ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे पास आ जाएगा 3/4 साइन इनवर्स ऑफ 2 को ऊपर शिफ्ट कर देंगे न्यूमरेटर में 2x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस अब इस 2 को इस 2 के साथ कैंसिल आउट नहीं करना, हम ये करते हैं इस 2 को स्क्वायर रूट के अंदर शिफ्ट कर देंगे जिस तरह हमने बाय निकाला था शुरू के स्टेप में। इस तरह जब इसे अंदर शिफ्ट करेंगे हम तो ये स्क्वायर रूट के अंदर जाके 4 हो जाएगा, ये नोट करें इस पॉइंट को। और यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 3-4x² / 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। यहाँ पे आप 4 और 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारा जो इंटीग्रल था इंटीग्रल ऑफ 3-4x² dx ये इक्वल आ जाएगा 3/4 साइन इनवर्स ऑफ 2x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस x बाय 2 3-4x² प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो अब हम पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं, वही मेथड होगा जो पार्ट 1 में हम कर चुके हैं। तो पार्ट 2 में हमें इंटीग्रल दिया गया है इंटीग्रल ऑफ x² - a² dx। तो इस इंटीग्रल को i के इक्वल लेट लेंगे, इसको अब हम ऐसे लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस x² - a² 1 dx। याद रखें ये जनरल फार्मूलाज होते हैं, उन्हें ड्राइव करना आना चाहिए, अगर वो उनकी डेरिवेशन आ जाए तो क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। क्वेश्चन इसलिए आसान होते हैं जिससे हमने पार्ट 3 और 4 को सॉल्व किया कि पहले हम जनरल जो हमारे पास इंटीग्रल होता है उसे सॉल्व कर लें, फिर जो हमारे पास कांस्टेंट है उसकी वैल्यू वहाँ पे रिप्लेस कर दें। तो अब यहाँ पे यू हमारे पास होगा यानी कि फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन डी वी। यू हमारे पास इक्वल है यहाँ पे x² - a² डेरिवेटिव लेते हैं डी यू बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा स्केयर रूट फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव 1/2 और वही स्केयर रूट फंक्शन साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे और साथ में हम स्केयर रूट के अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेंगे x² का डेरिवेटिव 2x और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। लिहाजा हमारे पास डी यू की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे डी यू इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई x² - a² dx। अब यहाँ पे v हमारे पास डी वी सॉरी इज इक्वल टू 1 dx इंटीग्रेट करेंगे v इज इक्वल टू x आ जाएगा
अब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला यूज करेंगे जो हम पहले लिख चुके हैं। तो गिवन इंटीग्रल आई इक्वल आ जाएगा हमारे पास यू, यू की वैल्यू हमारे पास स्केयर रूट ऑफ एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर, साथ में वी की वैल्यू आएगी यानी कि एक्स, फिर माइनस साइन, फिर वी की वैल्यू एक्स, फिर डी यू की वैल्यू हमारे पास आई है एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर डी एक्स। सिमिलरली अब इस इंटीग्रल को हम सॉल्व करेंगे, अलग से सॉल्व कर लेते हैं, इसे इक्वेशन वन कह देते हैं और इस इंटीग्रल को हम आई वन कह देते हैं। एक्स और एक्स मल्टीप्लाई होके एक्स स्केयर हो जाएगा, एक्स स्केयर डिवाइडेड बाय सेम वही तरीका जो हम पार्ट वन के इंटीग्रल में यूज़ किया था। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में माइनस ए स्केयर है तो हम ऊपर भी माइनस ए स्केयर बनाएंगे एक्स स्केयर, उसके लिए हमने ए स्केयर को सब्ट्रैक्ट भी किया और ऐड भी किया, डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर डी एक्स। सिमिलरली यहाँ पे दो इंटीग्रल बन जाएंगे, आई वन इज इक्वल टू पहला इंटीग्रल होगा एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर डिवाइडेड बाय स्केयर रूट ऑफ एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर डी एक्स प्लस ए स्केयर को बाहर लिख लिया वन डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर डी एक्स। तो आई वन इक्वल आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रल ऑफ स्केयर रूट ऑफ एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में पावर वन बाई टू है और न्यूमरेटर में पावर वन है, जब कैंसल आउट होंगे तो न्यूमरेटर में पावर वन बाई टू रह जाएगी प्लस ए स्केयर। अब नोट करें जो एक्सरसाइज 3.3 है उसका क्वेश्चन नंबर 8 ए पार्ट, उसमें हम ये इंटीग्रल सॉल्व करना सीख चुके हैं, तो इसका वहाँ से हम इसका फार्मूला जानते हैं, इसका फार्मूला डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे। ये इक्वल होता है लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर का स्केयर रूट। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अभी पुट नहीं करते हम। अब ये देखें ये जो इंटीग्रल है ये हमारे पास आई के इक्वल है, ये हमारा गिवन इंटीग्रल था, तो आई वन इक्वल हो जाएगा हमारे पास आई प्लस ए स्केयर लॉग ऑफ मॉडुलस एक्स प्लस एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर। अब ये वैल्यू हम इक्वेशन वन में पुट करेंगे, यहाँ पे ये हमारे पास आई वन है बाय नेगेटिव साइन है, जब वैल्यू पुट करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। पुट इन इक्वेशन वन, वन इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू एक्स इंटू स्केयर रूट ऑफ एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर। अब यहाँ पे साइन चेंज, माइनस आई माइनस ए स्केयर लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर। अब इस आई को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ऐड हो जाएंगे, तो ये हमारे पास टू आई आ जाएगा, टू आई इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर माइनस ए स्केयर लॉग ऑफ एक्स प्लस स्केयर रूट ऑफ एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर। टू को इधर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। आज की वीडियो के लिए इतने, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 4 के रिमेनिंग पार्ट सॉल्व करेंगे और एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे जो हमें क्वेश्चन नंबर 5 में हेल्पफुल होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।